हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कुछ ऐसी हैरतअंगेज चीजें जो पहले के जमाने में लोग किया करते थे और वो लीगल भी थी। हालांकि आज वो लीगल नहीं है और यही चीज इस वीडियो को बहुत ज्यादा दिलचस्प बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है कोकेन का इस्तेमाल इलाज के तौर पे। कोकेन आसानी से दवाघरों पे पहले के जमाने में मिल जाया करता था और कोकेन को इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी चिकित्सक सलाह की जरूरत नहीं पड़ती थी, यानी कि डॉक्टर की सलाह की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। इसका इस्तेमाल बेसिकली आप कफ में या फिर दांतों के दर्द में कर सकते थे उस वक्त पर। और इतना ही नहीं, ये बच्चों को भी बड़ी आसानी से दे दिया जाता था। और कोकेन का इस्तेमाल आप जान के हैरान हो जाएंगे कि कोको कोला में भी किया जाता था। कोको कोला में 9 ml तक कोकेन की मात्रा डाली जाती थी। फिर बाद में वक्त के चलते 2003 में कोको कोला में से कोकेन नामक इंग्रेडिएंट हटा दिया गया उसकी रेसिपी में से। दूसरा पॉइंट है बच्चों को डाक के जरिए भेजना। पहले के जमाने में बच्चों को डाक के जरिए भेजा जाता था। सुनने में आपको मजाक लगेगा पर ऐसा सच में होता था। 20वीं शताब्दी में अमेरिकन्स अपने बच्चों को डाक के जरिए एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया करते थे और इसे गैर कानूनी भी नहीं माना जाता था। एक बच्चे को भेजने के लिए 15 सेंट उस वक्त पर लगते थे और अगर बच्चे का वजन ज्यादा होता तो उतनी ही ज्यादा कीमत देनी पड़ती। अमेरिकन्स अपने बच्चों को रिश्तेदारों के पास भेज दिया करते थे ताकि उनका कुछ पैसा बच सके, और ऐसा करने के लिए वो अपने बच्चों के कपड़ों पर स्टैंप लगा दिया करते थे जिसमें बच्चे की सारी जानकारी होती थी। अगला है इलाज के अजीबोगरीब तरीके इस्तेमाल करना। संक्रमण से बचने के लिए जब लोग पिछले जमाने में डॉक्टर के पास जाते थे तो उस वक्त उनके पास कोई ठोस इलाज नहीं हुआ करता था और इसलिए वो अजीबोगरीब इलाज के तरीके अपनाने लग जाते थे, जैसे कि रक्तपात यानी ब्लड लेटिंग और जीभ काटना, जो कि हकलाने जैसी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही बिजली के झटके देना भी उस वक्त पे कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती थी। हद तो तभी हो गई जब 19वीं शताब्दी में इलाज के तौर पर लीच यानी जोंक का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में जोंक को मरीज के पूरे शरीर पर चिपका दिया जाता था और ये जो जोंक है ये मरीज का सारा खून पी जाता था। बच्चों के पिंजरे। 1930 के दौरान तार से बने पिंजरों का इस्तेमाल ब्रिटिश परिवारों में किया जाता था बच्चों को रखने के लिए। ऐसा इसलिए हुआ करता था क्योंकि महिलाएं उस वक्त रोज के कामकाज में व्यस्त रहती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा करने से बच्चे सुरक्षित भी रहेंगे और उन्हें ताजी हवा भी मिलती रहेगी। हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें डॉक्टर्स ने अपनी सलाह कभी नहीं दी। धूम्रपान करने की सलाह यानी परामर्श खुद डॉक्टर्स दिया करते थे। उस जमाने में गर्भवती महिलाओं को यानी प्रेग्नेंट महिलाओं को इसकी सलाह देना आम बात थी। यहाँ तक कि कब्ज की बीमारी के लिए भी डॉक्टर्स धूम्रपान करने की सलाह दिया करते थे। उनका ऐसा मानना था कि ऐसा करने से शरीर में तनाव कम हो जाता है और नसों को आराम भी मिलता है। तो है ना ये कुछ हैरत अंगेज बातें। अगर आपको भी ऐसी कोई जानकारी पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डेली लर्निंग्स पे आपको मिलती है कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी, हैरत अंगेज फैक्ट्स और भी बहुत कुछ। तो मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। यू टेक केयर, बाय।